Hello children, welcome to Rama Kids educational video. So today we are going to learn about the missing numbers. हमने आज तक क्या पढ़ा था? Before number, after number, between number, वो सब तो हमने पढ़ लिया है ना, right? But अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Missing number. Missing numbers means what? Missing मतलब जिसके आगे भी कोई number miss है, पीछे भी है या between number भी हो सकता है, कहीं पे भी कोई भी number missing है तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड मिसिंग नंबर्स, राइट? सो आप लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ लिया है, ओके? सो यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिख रही है, राइट? यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हैं, 1, 2, फिर यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग है ना, और यहाँ पे सीधा लिखा है 4, 4 के बाद यहाँ पे कुछ मिसिंग है, फिर यहाँ पे नंबर है 6, राइट? सो आज हम मिसिंग नंबर्स पढ़ेंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मिसिंग नंबर्स है उसको हम फील करेंगे, राइट? सो यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 के बाद एक नंबर है जो मिसिंग है, राइट? यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, यहाँ पे क्या मिसिंग है? यस, इट्स नंबर 3, 3 इज मिसिंग, 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 भी लिखा हुआ है, 7 के बाद यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है, तो फर्स्ट हम क्या फील करेंगे? 7 के आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर 7? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर 8. अभी इट विल बी इजी टू राइट ओवर हियर कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 8 के बाद आने वाला नंबर, राइट? तो यहाँ पे 8 के बाद क्या आता है? 9, एंड देन नंबर 10, है ना? तो ये पूरा फील किया हमने मिसिंग नंबर्स. So let's take one more example. अभी यहाँ पे ये number line में भी बहुत सारे number missing है. So let's fill it. यहाँ पे है 1, 1 के बाद कौन सा number missing है? 2, 2 के बाद 3 is already written. 3 के बाद यहाँ पे कौन सा number missing है? Yes, it's 4. 4 comes between 3 and 5. 5 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है? नंबर 4. अभी यहाँ पे 5 लिखा है, 5 के बाद 2 नंबर्स आर मिसिंग, तो हम पहले क्या करेंगे, 5 के जस्ट आफ्टर वाला फिनिश करेंगे, तो 5 के बाद क्या आता है? नंबर 6, तो वी राइट 6 हियर. अभी 6 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? नंबर 7, है ना? 7 के बाद यहाँ पे 8 तो लिखा हुआ है, 8 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? नंबर 9, एंड देन नंबर 10. सो नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही मिसिंग है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट? सो हमें यहाँ पे क्या सोचना है कि व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर नंबर भी हमने पढ़ा था, राइट? तो अभी यहाँ पे हमें क्या सोचना है कि विच नंबर कम्स बिफोर 2? हाँ, इट्स नंबर 1, तो हमें यहाँ पे 1 फील करना है, 1, 2. अभी यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, विच नंबर कम्स आफ्टर 2, तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे? नंबर 3. 3 के बाद में क्या आता है यहाँ पे? 4. 4 के बाद 5, then comes 6. अभी 6 के आफ्टर क्या आता है, विच नंबर कम्स आफ्टर 6? यस, नंबर 7. 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, एंड देन कम्स नंबर 1, 0, 10. ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे तो फर्स्ट इज आल्सो ब्लैंक, देन सेकंड वन इज आल्सो मिसिंग, एंड हियर इज डायरेक्टली रिटन नंबर 3. तो हम क्या करेंगे, हमें क्या सोचना है, यहाँ पे हम सबसे पहले फील करेंगे कि 3 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, जस्ट बिफोर, सो इट्स नंबर 2. फिर यहाँ पे विच नंबर कम्स बिफोर 2? यस, नंबर 1. तो हम सीधे ऐसे ब्लैंक मिस करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस है, तो फर्स्ट हम क्या फील करेंगे, जस्ट नेक्स्ट उसकी जो प्लेस है वो फर्स्ट फील करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्लेस. ओके, सो हियर नंबर 3, तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, 3 के बाद क्या आएगा, राइट? ऑन द राइट साइड इज द आफ्टर नंबर एंड ऑन द लेफ्ट साइड इज द बिफोर नंबर, जो हमने अगले वीडियो में पढ़ा था, है ना? तो विच नंबर कम्स बिफोर 3, अरे आफ्टर 3, तो इट्स नंबर 4.
4 ke baad 5. Then which number comes after 5? Yes, it's number 6. 6. Then 7. Then what will write here? 8. And then 9. And then number 10. So easy. So here, let's take one more example. यहाँ पे क्या दिया है? 1 दिया है. 1 के बाद यहाँ पे हम क्या fill करेंगे? Yes, we'll write 2. Then which number comes after 2? 3. 3 के बाद 4. 4, 5. Then number 6. 6 के बाद क्या आएगा? Number 7. Then we'll write 8. Then 9. And then 10. 10. So, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि what is there in missing number? Missing means जो बीच में miss हो रहे हैं numbers, तो हमें इस तरह से number line में भी आ सकता है, या तो फिर कुछ अलग तरीके से भी missing numbers आते हैं. So now I hope you all are clear with the concept of missing numbers. So next time we will meet again and we will have some more videos. Till then, bye bye.